कुख्यात गौतस्कर मुजफ्फर की काली कमाई की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क। कुख्यात गौतस्कर व दुर्दांत माफिया एवं हिस्ट्री शीटर बदमाश मोहम्मद मुजफ्फर की काली कमाई से संबंधित करीब 5 करोड़ रुपए कीमत के 5 बड़े प्लॉटों, मकानों और दुकानों को कुर्क करते हुए जब्त कर लिया गया है। मोहम्मद मुजफ्फर थाना पूरा मुफ्ती का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। हिस्ट्री शीट क्रमांक 15B पर इसके काले कारनामे दर्ज हैं। ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने देते हुए बताया कि उसके ऊपर करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। गौतस्करी जैसे जघन्य अपराधों से इसने करोड़ों की काली कमाई, मकान और दुकान खड़ा कर लिया था। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दफा 14(1) के तहत इसकी काली कमाई से अर्जित प्रमुख 5 प्लॉटों और मकानों को जब्त कर लिया गया है। इसकी काली कमाई से अर्जित अन्य संपत्तियों की जांच और तलाश जारी है। जल्दी ही इसके रैकेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूत और ध्वस्त कर दिया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से धूमनगंज क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये माफिया गौतस्कर काफी दिनों से इस काली कमाई के धंधे में लिप्त था और करोड़ों की संपत्ति की अर्जित की थी। ये पूरा मामला थाना धूमनगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें हमने हिस्ट्री शीटर कुख्यात गौतस्कर माफिया मोहम्मद मुजफ्फर की तकरीबन 5 से 6 करोड़ कीमत की काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया है, यानी कुर्की की कार्रवाई की है। इसके खिलाफ 2 दर्जन के आसपास मुकदमे प्रयागराज और अन्य जिलों में दर्ज पाए गए हैं। यह एक कुख्यात जघन्य अपराधी गौतस्कर एक माफिया है, जिसका हिस्ट्री शीट पूरा मुफ्ती थाने पर 15B के नाम से खुली हुई है और इसके सारे काले कारनामे इसमें दर्ज हैं। यह मुजफ्फर अभी जेल में है और इसकी सारी काली कमाई को चिन्हित करके, संपत्तियों को चिन्हित करके आज आप देख रहे होंगे तालेबंदी की जा रही है, सील लगाई जा रही है इस पर और इसकी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। संपत्तियों की कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की आसपास आंकी गई है। आम जनमानस से अपील है कि अपराधों से बचें, अपराधियों के रैकेट से बचें, माफियागिरी से बचें। अगर ऐसा करेंगे तो यही हश्र होगा। न केवल बदमाशों की इज्जत एकदम तबाह होगी बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे समय काटना पड़ेगा। उनका परिवार और रिश्तेदार भी इसी तरह से परेशान होंगे। इनसे बचने के लिए अपील है, आम जनमानस अपराधों से बचें और मेहनत और ईमानदारी से वो अपना मस्तक ऊँचा करके चलें, यही जनमानस से अपील है। अन्यथा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और जिस तरह से मोहम्मद मुजफ्फर की तमाम काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित करके उसको जब्त किया जा रहा है, उसी तरह से कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी।